स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। अक्सर आप देखते हैं राजस्व टीवी पर हमारी मशहूर एंकर जिनको आप वर्षों से देख रहे हैं, जो लोगों के अपने सवालों से बोलती बंद करती हैं, आज वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं अनिल बख्शी जी से। आज हम जानेंगे कि पत्रकारिता को लेकर उनके व्यूज़ क्या है। बाकी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि मैं बोलती बंद करती हूँ, लेकिन बोलना हमारा काम भी है। और कई बार मैं कहती हूँ कि हम जो हैं वो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन बोलना सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता। हम उस आवाज़ की बात कर रहे हैं जो आज के समाज में ज़रूरी और अहम भूमिका निभाता है, और उस सच्ची आवाज़ की भी बात कर रहे हैं जो सच्चाई के साथ तथ्य को सामने लाता है। क्योंकि अगर आप पत्रकार की भूमिका देखें तो बहुत बड़ी है। जो कुछ भी वो आसपास देखता है उसको देखकर चुप नहीं रहता है, उसको सबके सामने प्रस्तुत करके एक संवाद जो है संवाद का निर्माण करता है, जिसमें सभी लोग साथ आते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की बात करते हैं। तो पत्रकार का काम मशाल जलाना है, पत्रकार का काम सही चीज़ों को आगे ले आना है, और सिर्फ आगे ले आना ही नहीं है, उन सही चीज़ों को आगे लाने से हम कैसे एक अच्छी दुनिया को बना सकते हैं, ये काम करता है। तो मुझे लगता है एक पत्रकार की हैसियत से बहुत बरसों से, जैसे आपने कहा, मैं ये काम करती आ रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के बीच जाकर उनकी बातें समझना, सच्चाई के लिए लड़ना भी बहुत बड़ा काम है। पत्रकार आपने बहुत देखे हैं कि पत्रकार करेज के साथ माने जाते हैं कि वो उन्होंने अपना काम किया। साहस ज़रूरी है, निर्भीकता ज़रूरी है, और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, ये भी ज़रूरी है कि हम सच को सच की तरह ही सामने लाएं। मैम, आपने कहा कि पत्रकार का काम मशाल जलाना है, रोशनी फैलाना है, एक जिम्मेदारी का काम है, लेकिन इस जिम्मेदारी के काम को निभाते हुए आजकल पत्रकारों पर भी आरोप लग रहे हैं, पत्रकारिता पर आरोप लग रहे हैं कि वो खेमों में बट गए। आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि सभी पत्रकार मुझे लगता है कि एक दुनिया के एक तरह के वासी हैं। और ये जो धड़ों और खेमों की बात होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं ये सब कहाँ से और क्यों आ रहा है। हम शायद जानते भी हैं कि कुछ लोग आयोजित प्रायोजित करने का काम करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सभी तरह के पत्रकार, क्योंकि पत्रकारिता एक मिशन के तौर पर शुरू हुई थी, अगर आप इसका इतिहास देखें तो हमको इसको मिशन के तौर पर ही देखना चाहिए, और हमें इस पूरे ट्रैप जिसको मैं कहती हूँ उसमें नहीं आना चाहिए। आप अभी भी देखें कि हम सबको वही कहानियाँ अच्छी लगती हैं, वही बातें अच्छी लगती हैं जो हमारे दिल को छूती हैं, जो हमारे दिल के नज़दीक हैं, तो हम वो बातें अगर कहेंगे सुंदरता से, सहजता से और निर्भीकता से, तो वो सब सुनी जाएगी और उसकी जगह हमेशा रहेगी। राखी जी, आपका एक लंबा करियर रहा है पत्रकारिता में, आपने एंकरिंग की है, कभी कोई ऐसा पल आया जिसने आपको निराश किया हो बीइंग एक पत्रकार? नहीं, निराश हम तब होते हैं जब हम देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो बात आगे आ नहीं पा रही है। मुझे निराशा तब होती है। कोशिश यही रही है कि कितनी भी बहुत दुर्गम जगहों पे मैं गई हूँ, मैंने वॉर्स कवर किए हैं, कारगिल और इराक दोनों के, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार बहुत और भी जर्नलिस्ट मेरे साथ ही छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो बात सामने आ नहीं पाती है। कई बार दुख होता है कि वो खबर ही शायद लग नहीं पाती है, तो मुझे उससे निराशा होती है। लेकिन निराशा इस बात से कभी नहीं होती है कि मैं अपना काम मेहनत से करती जाऊँ, और अपने साथियों को भी जो ये देख रहे हैं ये संदेश दूँ कि जो मेहनत और सच्चाई है वो शायद उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर वो सामने आएगी और बहुत सच्ची तरह से सामने आएगी, तो हमेशा विश्वास रखें। राखी जी, लास्ट सवाल, हज़ारों लोग जो आपको अपना आइडियल मानते हैं पत्रकारिता में, और जो कुछ नए पत्रकार हैं वो आपको ही देख करके इस फील्ड में बहुत कुछ एजुकेटेड होते हैं आपसे, तो ऐसे में क्या संदेश रहेगा आपका नए पत्रकारों के लिए? नए पत्रकारों के लिए बात ज़रूरी है कि वो रिसर्च पे बहुत ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें, रिसर्च पे ध्यान दें। और एक बात सामने आती है कि क्या पत्रकार को ह्यूमन होना चाहिए, तो सबसे पहले बेहतर इंसान बने। चूंकि पत्रकारिता एक तरह का एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी है, तो अपनी चीज़ों को आप सही ढंग से समझें, जहाँ भी आप जा रहे हैं जाँच पड़ताल सही ढंग से करें, तथ्यों को सही ढंग से सामने लाएँ, जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी लाएँ, निष्पक्षता और निर्भीकता लाएँ, और साहस रखें। जिन चीज़ों को आप देख परख रहे हैं उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसको उसी तौर पे आप प्रेजेंट करें, जिसको अब मैं बात कर रही थी फिल्टर ट्रूथ की, उस पे ना जाएं, फिल्टर मत कीजिए, और जो जैसा है वैसा प्रस्तुत कीजिए। सच्चाई अगर है तो शायद आप हम सब की तरह थोड़ा कभी कभी निराशा के पलाएंगे, पर अपनी हिम्मत मत हारिए और सच के साथ रहिए, लेकिन साथ ही रिसर्च के साथ भी रहिए। ये थी हमारे साथ राखी बख्शी, जिन्होंने अपने पत्रकारिता के अनुभव को हमारे साथ साझा किया और नए पत्रकारों को अपने अनुभव के आधार पर सलाह भी दी। आशा करते हैं कि नए पत्रकार इनके अनुभव से कुछ ना कुछ तो फायदा अवश्य उठाएंगे। सहयोगी किरण के साथ गुलशन सैफी, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली।